Prerna and welcome back. I hope you all are doing well. आज के वीडियो में मैं आपको 10 लुक्स दिखाऊंगी जिसमें मैंने कुर्तीज को स्टाइल करा है पर जीन्स के साथ. आइडिया इस वीडियो के पीछे ये है कि कुर्तीज को भी हम उतना ही मॉडर्न कंटेम्प्रेरी और स्टाइलिश लुक दें जितना एक जीन्स और टी शर्ट कॉम्बो का होता है. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आएगा, आइडियाज़ मिलेंगे अपनी कुर्तीज को स्टाइल करने के इन अ स्मार्ट एंड स्टाइलिश वे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. For the first look, I'm starting with high-waist jeans. मैं कुर्तीज के साथ especially high-waist jeans prefer करती हूँ क्योंकि ये jeans पेट को अंदर दबा देती है और कुर्ती के नीचे clean and smooth look आता है. इसको slim fit jeans भी बोलते हैं क्योंकि ये ankle से skinny jeans की तरह tight नहीं होती. इसके साथ मैंने pair की ये कुर्ती. Basic straight fit कुर्ती है. अब चार स्टेप्स में मैं ये आउटफिट ट्रांसफॉर्म करूँगी फ्रॉम दिस टू दिस. फर्स्ट स्टेप इज एडिंग अ स्टेटमेंट नेकलेस. इस येलो कलर पर ये नेकलेस और भी खिल रहा है. नेकलेस मैंने दिल्ली की लोकल मार्केट से लिया है. डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. नाउ फॉर स्टेप टू, इट विल बी ओपनिंग द हेयर. तो मैंने रात को बालों में डच ब्रेड की थी टू मेक देम अ बिट कर्ली. सो लेट्स सी हाउ दे टर्न्ड आउट. Now for step 3, I applied this pinky gorgeous nude by Miss Claire in the shade 31. Love this lip color. For the fourth and the final step, jeans ko halka sa ankle se fold kara aur loafers pehne. Aap chaho to chappals, jutti kuch bhi pehen sakte ho, but mujhe loafers ka juxtaposition with the feminine kurta look बहुत अच्छा लगता है. लाइक आई एम अ सकर फॉर दिस वाइब. ऑल्सो जीन्स को हल्का सा फोल्ड करने से शूज पर अटेंशन जाती है एंड इट काइंड ऑफ लुक्स कूल. ऐसे लुक्स आई फील स्किनी गर्ल्स पर बहुत स्मार्ट लगेंगे क्योंकि स्टेटमेंट नेकलेस आपकी बॉडी को वॉल्यूम देगा और कुर्ती भी ब्राइट कलर की है. लास्टली मैंने शूज को मैच करा विद अ नेवी बैग एंड दिस इज द फुल लुक. नेक्स्ट मैं इसी जीन्स के साथ स्टाइल करूंगी ब्लैक कुर्ती. कुर्ती की पिंक लाइनिंग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने पिंक लिपस्टिक ऊपर से डैब कर दी. देन आई एडेड अ सिल्वर चोकर. दिस इज द सेम सिल्वर चोकर दैट आई वोर विद द चिकनकारी अनारकली. इसके साथ ही हैंडकफ भी आया था. लव इट. नेक्स्ट आई चेंज द शूज टू दीज ब्लैक प्लेटफॉर्म हील्स. दे आर सुपर कम्फी. इस टाइप का स्टाइल जेंडरस ब्रेस्टेड लेडीज पर बहुत सूट करेगा क्योंकि कुर्ती वी नेक है, ऊपर से चोकर नेकलेस पहन लिया तो सारी अटेंशन आपकी नेक और शोल्डर्स पर जाएगी. लास्टली आई ग्रैब दिस ब्लैक बैग दैट हैज क्यूट लिटिल फ्लावर्स ओवर इट एंड अ सिल्वर चेन दैट विल गो विद द ज्वेलरी. स्लीव्स को भी मैंने एक्स्ट्रा फोल्ड कर लिया ऊपर की तरफ टू रिवील द पिंक लाइनिंग इवन मोर. For the third look, I'm styling a similar kurti in this gorgeous ocean blue color, but this time with straight fit jeans. ये basically taper नहीं होती towards the ankle, घुटने के नीचे बिल्कुल straight रहती है, hence the name straight fit. Next, I put my hair in a high pony क्योंकि मैं चाहती थी कुर्ती की neckline पर focus जाए. फिर मैंने पहने ये golden studs and lastly I wore these pointy toe shoes. ये shoes क्योंकि सामने से pointed हैं इसीलिए मेरी legs को elongating and slimming इफेक्ट देते हैं. अब मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा करूं कि रेड शूज आउट ऑफ प्लेस ना लगे, इसीलिए मैंने लिया ये रेड स्लिंग बैग. आई थिंक इट टाइज द एंटायर लुक ब्यूटिफुली. एस्पेशली द गोल्ड इन द बैग कॉम्प्लीमेंट्स द इयररिंग्स एंड द रेड इन द बैग कॉम्प्लीमेंट्स द शूज. फॉर द फोर्थ लुक मैंने सेम जीन्स और इयररिंग्स रिपीट करे पर शॉर्ट कुर्ती के साथ और बालों को मैंने हाफ बन हेयरडू में टाई किया. अब शूज़ के लिए पहले मैं सोच रही थी कि गोल्डन जुत्तीस पहनूं, बट यू नो गाइस दिस इज़ वेयर यू मेक और ब्रेक द लुक. ऑफ कोर्स जुत्तीस अच्छी लगती हैं कुर्तीज के साथ, बट जैसे ही मैंने इनको रिप्लेस किया विद दीज नेवी लोफर्स आई फील इंस्टेंट मॉडर्न एंड स्टाइलिश अपलिफ्ट मिल गई मेरी कुर्ती को. सो दिस गाइज इज सुपर इम्पॉर्टेंट वेन स्टाइलिंग कुर्तीज. If you want a modern contemporary look, pair unexpected footwears with your kurtis, experiment a bit and I'm sure you are going to love it. Lastly, to tie the shoes to the look, मैंने same navy laptop bag ले लिया. आप चाहो तो कुछ chunky bangles भी add कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे करे.
अब नेक्स्ट मैंने एक्चुअली एक ऑफ बीट कुर्ती स्टाइल करी. तो मैं कुछ सालों पहले कश्मीर गई थी, तब मैंने ये फिरन स्टाइल कुर्ती ली थी. आई थॉट इसको स्टाइल करती हूँ विद सम पजाज. सो आई पेयर्ड इट विद दिस स्लिम फिट जीन्स. दिस इज़ बाय ज़ारा. सेम हाई वेस्टेड है लाइक माई अदर जीन्स. अब ऐसी ओवरसाइज कुर्तीज़ को स्टाइल करते वक्त आई ऑलवेज मेक श्योर कि बॉटम पार्ट ऑफ द बॉडी फिटेड हो, ताकि ऑल ओवर मेरा लुक बैलेंस लगे. हैंस आई वेंट फॉर दीज फिटेड जीन्स एंड द सेम पॉइंटेड टो शूज़ टू गिव सम एलोंगेशन टू द लेग्स. लास्टली, अब इतनी अच्छी कढ़ाई है कुर्ती पर तो नेकलेस का तो मतलब बनता नहीं, इसीलिए मैंने ये सिल्वर इयररिंग्स पहने, बालों को आगे किया और ब्लैक स्लिंग बैग के साथ इस लुक को कंप्लीट करा. ये ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद आया लुक. अब मैं स्टाइल करूँगी एक ए लाइन लॉन्ग कुर्ती विद जीन्स. जीन्स इस बार मैंने वाइट सेलेक्ट करी. ये स्ट्रेट फिट हाई वेस्टेड जीन्स है एग्जैक्टली वैसे ही जैसी ब्लू थी. अब इंसिडेंटली मेरे पास वाइट पर्ल हूप इयररिंग्स थे, तो मैंने उनको पहना और बालों को ओपन रखा. आई लेट सम चंकी बैंगल्स, एक्चुअली अ लॉट ऑफ चंकी बैंगल्स. बट अगर आपको ये अनकम्फर्टेबल लगता है, ऑफकोर्स स्किप इट. देन फॉर शूज, इनिशियली मुझे लगा कि इन वाइट म्यूल्स को पहनती हूँ, बट देन आई डिड नॉट हैव अ वाइट बैग टू कम्प्लीट द लुक. तो इसीलिए मैंने पहनी ये रेडिश चप्पल्स पेयर्ड विद दिस स्लिंग बैग. This is again a helpful tip that can be kept in mind. हर बार matching shoes और outfit होना तो possible नहीं है. So in those cases, मैं shoe और bag को match कर लेती हूँ. That is, अगर bag match नहीं कर रहा कपड़ों के साथ या shoe match नहीं कर रहा कपड़ों के साथ, तो bag और shoe को match कर लो. Okay, next I'll style a denim tunic. तो ये tunic मेरे पास काफ़ी time से है. कभी मैं इसको as is पहन लेती हूँ और कभी jeans के साथ पहन लेती हूँ, depending on my mood and comfort. यहाँ मैंने एक डेनिम ऑन डेनिम लुक क्रिएट किया. जीन्स मैंने सेम वही रखी फर्स्ट लुक वाली, बैंगल्स और इयररिंग्स वाइट रखे और इस बार वाइट शूज भी पहने. लास्टली मैंने बैग रेड कैरी किया बिकॉज आई थॉट इट एड्स अ पॉप ऑफ कलर टू द डेनिम ऑन डेनिम वाइब. आई वुड हैव वोर्न अ रेड लिप एज वेल टू दिस लुक, बट मुझे और कुर्तीज भी स्टाइल करनी थी, सो आई स्किप्ड ऑन टू इट. सो या, दिस इज अनदर स्टाइल इन विच यू कैन वेयर ट्यूनिक्स विदाउट हैविंग टू रिवील सम लेग. अब नेक्स्ट मैं एक शॉर्ट कुर्ती स्टाइल करूंगी, बट अगेन विद अ ट्विस्ट. सबसे पहले मैंने एक हाई पोनी बनाई. आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न आई फील बंस और हाई पोनीज लुक सुपर क्यूट विद कुर्तीज. अब कुर्ती की नेकलाइन पर सिल्वर टच है, सो आई डिसाइडेड टू वेयर दी सिल्वर इयररिंग्स एंड अ सिल्वर रिंग. नाउ फॉर शूज, लाइक आई टोल्ड यू, आई लव मिक्सिंग कंटेम्प्रेरी स्टफ विद द एथनिक वेयर एंड दिस इज वॉट आई डिड. शूज को मैच करने के लिए आई ग्रैब द सेम ब्लैक स्लिंग बैग एंड दिस इज माई कूल गर्ल लुक. For the last and the final look, I'm styling this gorgeous silk mix kurti. इसकी neckline पर बहुत प्यारा काम है. अब इसके साथ मैं casual look बनाना चाहती थी, तो मैंने black jeans पहनी, बालों को tie किया in a messy high bun, because I feel messy bun कोई भी look को एक chill vibe दे देते हैं. Next, I wore these golden studs to match the neckline of the kurti. And for shoes, initially I was confused, but finally I went with my funda of matching the shoes to the bag. मैंने brown loafers और sling bag match करे. And this is my chill girl look. आपको ये video कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना. Also, use this stay at home वाला time to ransack your cupboard, mix and match your pieces. And I'm hoping इस video से आपको ऐसा करने के आइडियाज जरूर मिले होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. बाय.